एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब हम जो पहले आपने देखा, जैसे कि हमारा ये तीसरा एपिसोड है और हमने जो सेकंड एपिसोड था उसमें हम चक्राता पे पहुंचे थे, बट वहाँ पे जाके हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं हमें। तो देन हमने डिसाइड किया कि वहाँ से अब हमें आगे को थोड़ा सा चलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हाइट पे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या पता थोड़े अच्छे नज़ारे मिले। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम यमुनोत्री जा रहे हैं वहाँ से। तो गाइस, यमुनोत्री का जो मैप है चक्राता से, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली कोई 5.5 से 6 घंटे का रन दिखा रहा है। और चक्राता से हम लगभग मसूरी को टच करते हुए लाखा मंडल, देन नौगांव करके, फिर बरकोट होते हुए कुंथौर करके कोई जगह है, फिर चांद की चट्टी हम पहुँचेंगे और वहाँ पे देखते हैं। और देखिए आगे, देखिए गाइस कितना सुंदर पहाड़ है, बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिख रहा है। और यमुनोत्री यहाँ से 120 किलोमीटर, देन बरकोट दिखा रहा था कोई 62 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो कितने अच्छे नज़ारे थे, मतलब गाइस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्वयं भोले बाबा बैठे हों। और इतना बड़ा पहाड़ था वो, बिल्कुल शिवलिंग के आकार का। ओके, तो गाइस इसके आगे मेरे हिसाब से तो नज़ारे देखिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और आप भी नज़ारों को इन्जॉय कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो रोड है वो कितना नैरो है, तो अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपको अपनी गाड़ी को साइड में दबाना ही पड़ेगा, तभी वो गाड़ी पास हो सकती है, क्योंकि जो रोड है वो इतना नैरो है कि दो गाड़ियाँ एक साथ पास हो ही नहीं सकती, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और अगर गलती से किसी ने हल्की सी भी गलती करी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरी लेन में डाल के कोई गाड़ी अपनी आगे ले जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पे जाम लगने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कई जगह हमने ये चीज़ फेस भी की कि काफ़ी लंबा चौड़ा जाम लग जाता है किसी क्या कहते हैं छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। और दोस्तों अभी आगे जो यमुनोत्री है वो, मतलब अभी यहाँ से तो काफ़ी दूर दिखा रहा है, लगभग 3 घंटे की और रन है, और उसके बाद हम जाके कहीं यमुनोत्री पहुँचते हैं। तो गाइस आप लोगों भी बने रहिए और नज़ारों के एंजॉय कीजिए। गाइस काफ़ी दूर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है। मुझे लगता है कि शायद हमें यमुनोत्री को भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमारी मैडम की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, और मतलब थोड़ा हाई फीवर हो गया एंड कोल्ड एंड वोमिट भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हम यमुनोत्री ना कर पाए, क्योंकि यमुनोत्री में गाइस क्या है कि जानकी चट्टी से, क्योंकि मैं कभी गया तो नहीं हूँ लेकिन मेरे को आइडिया है थोड़ा सा कि जानकी चट्टी से आगे 6.5 या 7 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है, और वो काफ़ी टफ ट्रैक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उसको साथ में मतलब पूरा करना थोड़ा सा पॉसिबल है। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तबीयत ठीक होती है, हम बरकोट तक पहुँचते हैं और बरकोट तक जाते हैं, और रास्ते में कोई अगर हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी वगैरह या कोई केमिस्ट वगैरह आते हैं तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, और अगर कुछ तबीयत में सुधार लगता है तो हम बरकोट से सीधा यमुनोत्री यानी कि जानकी चट्टी के लिए निकलेंगे।
अदरवाइज हम ये करेंगे कि बरकोट से फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे है ना दो जगह रास्ता कट रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि लेफ्ट साइड में रास्ता, वो तो यमुनोत्री के लिए निकल जाएगा आपका, जानकी चट्टी के लिए, और जो राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है वो फिर गंगोत्री की तरफ निकलेगा। तो फिर हम ये सोचेंगे कि अगर तबीयत में कोई सुधार नहीं आता तो फिर हम गंगोत्री जाएँ। बिकॉज ऑफ उसका रीज़न ये भी है कि वहाँ पे ट्रैक बिल्कुल नहीं करना पड़ता है और गाड़ी जो है बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है। तो दैट्स वाई मैं सोच रहा था कि गंगोत्री जाए। रखेंगे बेटा कुछ कह रहे हो आप? हम यहाँ पर कितने दिन से रखेंगे? बेटा कितने दिन? तो वो तो देखो हमारा जो ट्रिप है वो टोटल 4 से 5 दिन का ही है, क्योंकि बिकॉज थोड़ा काम भी है बेटा, क्लासेस वगैरह, तो 4 से 5 दिन से ज़्यादा तो हम नहीं रुक पाएंगे। बेटा देखो अभी हम जिस टाइम पे आए हैं उस टाइम पे स्नो वगैरह तो नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे वेदर जो है अभी गर्मी वाला ही है, तो दिल्ली के जैसे ही वेदर है ऑलमोस्ट, तो अभी तो स्नो के चांसेस थोड़े से कम है। और लेकिन आने वाले टाइम में मतलब 1.5 से 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर के आसपास में स्नो अच्छी मिल जाएगी, मतलब नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में तो स्नो अच्छी मिल जाएगी। बट अभी राइट नाउ तो स्नो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा मुश्किल है। बट ट्राई करते हैं कि आप तक गंगोत्री या यमुनोत्री जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे शायद स्नो मिल जाए। दिसंबर को आना चाहिए। हाँ बेटा एक्चुअली दिसंबर में छुट्टियाँ का आइडिया नहीं है ना, तो अभी तो ये था कि हम अक्टूबर में इसलिए आए क्योंकि छुट्टियाँ हैं चल रही हैं अभी हमारी, तो इसलिए। चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो और मेरे को गाड़ी ड्राइव करने दो, ठीक है ना? तो गाइज अब देखिए ज़्यादा दूर तो नहीं रहा रह गया बारकोट, तो बारकोट पे पहुंच के हम थोड़ा सा ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है हमें क्या नहीं करना। तो जब तक के लिए गाइज स्टे ट्यून, आप बने रहिए और नज़ारों के एंजॉय कीजिए। अब देखिए नज़ारे कितने अच्छे होते जा रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे पहाड़ होते जा रहे हैं, और कलर्स भी पहाड़ के कितने अच्छे होते जा रहे हैं। तो गाइज आप एंजॉय कीजिए और बने रहिए। तो गाइज यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो रास्ता देख रहे हो आप, ये गंगोत्री की तरफ जा रहा है, और यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये यमुनोत्री की तरफ जा रहा है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ट्रैकिंग कर नहीं पाएंगे, तो हम ये वाला रूट लेने वाले हैं ऊपर वाला गंगोत्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक नहीं होता है, तो ऊपर की तरफ से जाएंगे। बाकी आप स्टे ट्यून, गंगोत्री के पहुँच के दर्शन कराते हैं, बाकी आप नज़ारों के मजे लीजिए।